दुकान आके नगर पालिका गेट पर की प्रकार से आज ताड़ो लगाए गयो मैं जानकारी लेंगे भाई साहब। भाई साहब आपको नाम था हिमांशु। हिमांशु जी से अपनी बात हो रही है भाई साहब, कई कारण जो आज ताड़ो लगा हुआ। कारण ये था जो अट्रू कस्बे का जो कचरा है वो अनंतपुरा रोड पे फेंका जाता है। अच्छा, इसके लिए हमने दो बार पुनः एक बार आया ज्ञापन दिया, 19 जून की बात है। उसके बाद 3 दिन का समय हमने दिया था भाई उपाय सोच कर बताएं, लेकिन 4-5 दिन बीतने के बाद फिर हम आए तो चेयरमैन जी के जो प्रतिनिधि है देवीलाल जी, उन्होंने हमसे 7 दिन का समय मांगा था कि हम 7 दिन में इसका निस्तारण करेंगे, लेकिन आज 10 से 11 दिन बीतने के पश्चात जब हम आए हैं तो उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। कचरा वहीं पड़ा है, गौवंश वहीं मर रहे हैं। ये देखो मित्रों, 7 से 8 दिन को आश्वासन देने के बाद आज 11 से 12 दिन हो चुके हैं, और 11 से 12 दिन होने के बाद आप देख सको जो ये सारा की प्रकार से एक संगठन का रूप में आर और यहाँ आज तालो जड़ो जो नगर पालिका का गेट पर, और आगे की कई कार्रवाई करी भाई साहब आप जानकारी देगा। आज जो हमने प्रदर्शन किया है ताला लगाकर, उस पर जो यहाँ का नगर पालिका का आयुक्त है उसने हमसे वार्ता करने के लिए तैयार हुए, और इसमें प्रतिनिधि के रूप में हम 5 कार्यकर्ता और हमारे सारे संगठन के कार्यकर्ता अंदर पहुंचे, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में हम 5 कार्यकर्ता अंदर पहुंचे। 5 कार्यकर्ताओं की हमारे अट्रू के प्रशासन के सीआई साहब के सामने बात हुई, और बातचीत में एक समझौता वार्ता हुआ है। उस समझौता वार्ता में ये निर्णय लिया गया है कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर अस्थायी रूप से पत्थरों का कोट करके इसका काम चालू कर दिया जाएगा, और एक गेट लगाने का भी वादा किया है जिससे पन्निया इधर उधर ना उड़े और हमारे जो राष्ट्रीय पशु गौ माता है उनकी कहीं ना कहीं बचत और सेफ्टी हो सके। जो ताड़ो ही लगानी पड़े मतलब नगर पालिका शासन को 2 बार ज्ञापन दे दिया पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आश्वासन भी दे दिया कि 7 दिन में कर देंगे, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज आए तो यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था 11 बजे तक। 11 बजे के बाद भी हमने ताला लगाया तो आके प्रशासन ने कोई बात नहीं की, डायरेक्ट ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे, तो उसके रोका और बात की उनसे। काफी देर बहस होने के बाद उन्होंने कहा कि लिखित में ज्ञापन दे देंगे, वो लिखित में एक दे देंगे पत्र, उसके बाद लिखित में दिया है कि 20 दिन में कार्य स्टार्ट कर देंगे। ये देखो जानकारी मिली जा अपनी 20 दिन में, लगभग 20 दिन के अंदर अंदर नगर पालिका प्रशासन अपनी गौ माता के ताई बचावा कारण जो यो वेस्टेज कचरो पूरा अट्रू नगर पालिका को कचरो जो वहां फेंक रहे थे रोड पर अनंतपुरा रोड पर सेंट्रल जेल के पास, आप जगह जगह देख सको जो गोविंदपुरा रोड पर भी यहाँ ना कचरा का ढंगार लगा रखे थे। यहाँ से कई प्रकार की दूषित वायु और वायु से अपना जानवर और मनक सारा पूरा गांव पूरा नगर पालिका प्रभावित हो रहे जो मित्रों। यहाँ आज प्रदर्शन करो जो तालो जड़ो जो 20 दिन की यहाँ के ताई आश्वासन मिलो जो देखेंगे 20 दिन बाद कहे हो बने रिजॉर्ट की खबर आप कचरा पूरे अनंतपुरा रोड में पड़ा। अभी भी आप 7 गोवंश पे कंकाल मत देख सकते हो। कच्चे का कचरा है साहब, कच्चे का कचरा ना, हम कहा प्रोफेशनल मांगने नहीं आए, करवाइए ना साहब। तो नगर पालिका क्यों बनाई आपने? बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। व्यवस्था नहीं हो रही तो बंद करना ही पड़ेगा आपको। उसका भी आंदोलन कर रहे हैं ना, होता जैसे छोटे से गांव में कल परसों पेपर में आई है वहाँ आवंटन हो सकता है, अट्रू जैसे बड़े कस्बे में आपसे आवंटन नहीं हो रहा था। वो तो पढ़ लिया हमने। क्या है इसमें बताओ भाई साहब, क्या है उसमें? लिखित समझौता है। किस प्रकार का लिखित समझौता है? ये 20 दिन का कार्य समय और मांगा है इन्होंने कि 20 दिन के अंदर वहाँ पर कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा। अच्छा, अस्थायी रूप से, और बाकी जैसे ही जगह आवंटित होती है साहब ने आश्वासन दिया है कि स्थायी कार्य प्रारंभ समाधान इसका कर दिया जाएगा।